नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी का ट्रेलर आप लोगों को कब तक देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस बना हुआ है, और इस मूवी को लेकर ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आप लोगों को बता दें कि सलमान खान की हर मूवियों को जो कि अच्छा खासा रिव्यू और साथ ही साथ ऑडियंस की तरफ से बहुत ही सारा प्यार भी मिलता है। आप लोगों को बताया चले कि टाइगर 3 मूवी, जिस मूवी को 10 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, और वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस मूवी में आप लोगों को जोरदार और धमाकेदार तरीके से सलमान खान फाइट करते हुए नजर आएंगे। इस मूवी का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए है। 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई फिल्म टाइगर 3 मूवी, जो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी और सबसे जोरदार फिल्म है, और वहीं दोस्तों स्पाई यूनिवर्स की यह पहली ऐसी फिल्म है जिसे बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिला है शुरू से, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो टाइगर एक था टाइगर हो, और वहीं दोस्तों चाहे वो टाइगर 3 हो। आप लोगों को बताया चले कि अच्छा खासा प्यार मिला है, और वहीं दोस्तों टाइगर 3 मूवी को जो कि रिलीज के पहले ही बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को बता दें कि टाइगर 3 मूवी में आप लोगों को मशहूर, बहुत ही मशहूर डायलॉग भी सुनने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को इस फिल्म में जो कि इमरान हाशमी विलन का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि इमरान हाशमी जो कि जोरदार और शानदार तरीके से सलमान खान से फाइट करते हुए नजर आएंगे, और वहीं दोस्तों जो कि सलमान खान और इमरान हाशमी पहली बार एक साथ पर्दे पे भी नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को बताइए चले कि इसमें बहुत ही जोरदार तरीके से आप लोगों को शाहरुख खान भी देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि शाहरुख खान का कैमियो बहुत ही दमदार और जोरदार रहने वाला है, हालांकि जिस तरीके से पठान मूवी में जो कि सलमान खान का कैमियो था, उसी तरीके से जो कि टाइगर 3 मूवी में शाहरुख खान का कैमियो रहने वाला है, और वहीं दोस्तों जोरदार तरीके से जो कि इस मूवी में आप लोगों को शाहरुख खान एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे और एक्शन करते हुए भी दिखाई देंगे। आप लोगों को बताया चले कि टाइगर 3 मूवी में आप लोगों को 3 सुपरस्टार तो देखने को मिलने ही वाले हैं, और वहीं दोस्तों कैटरीना कैफ भी कुछ कम नहीं मानी जा रही है, और कैटरीना कैफ को भी बहुत ही जोरदार तरीके से एक्शन में दिखाया जाएगा और एक्शन करते हुए नजर आएंगी, और ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब भी रहेंगी, क्योंकि कैटरीना को बहुत ही अच्छा खासा रिव्यू मिलता है ऑडियंस की तरफ से, और कैटरीना को बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म में 3 सुपरस्टार हैं, और वहीं दोस्तों शाहरुख खान, सलमान खान और इमरान हाशमी, जो कि इन तीनों को की जोड़ियों को अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। अब देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या फाड़ होते हैं कि नहीं। आप लोगों को बता दें कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही जोरदार होने वाले हैं। यह फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 50 से 60 या तो 80 से 90 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।